बवाल एक अपकमिंग इंडियन रोमांटिक ड्रामा मूवी है डायरेक्टेड बाय नीतीश तिवारी, जिसमें वरुण धवन के साथ हमें जानवी कपूर दिखाई देने वाले हैं। नीतीश तिवारी वही डायरेक्टर है जिन्होंने इससे पहले छिछोरे और दंगल जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी बना चुके। बवाल मूवी की स्टोरी बहुत ही सिंपल है कि छोटे शहर का लड़का बड़े शहर की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ प्यार में पड़ जाता है और वो उससे शादी करना चाहता है ताकि वो अपनी पोजीशन समाज में उठा सके। मूवी का प्लॉट एक लखनऊ के हिस्ट्री टीचर के अराउंड घूमती रहती है, जहां वो अपने इज्जत समाज में ऊंचा करने के लिए शहर की सबसे खूबसूरत लड़की को यूरोप ले जाता है ताकि वो दोनों डिस्कवर कर सकते है वर्ल्ड वार को। ट्रेलर शुरू होता है वरुण धवन के कैरेक्टर अजय दीक्षित अक्का अज्जू से, जो यहाँ पे हिस्ट्री चेयर बना हुआ है और जिसने समाज में एक नकली चेहरा बनाकर अपने आप को इज्जत दिलाई है। वो कहता है, बेटा माहौल ऐसा बनाओ कि लोगों को माहौल याद रहे, रिजल्ट नहीं। जो साफ दर्शाता है कि उसकी नकली इमेज के कारण वो अपने स्कूल से इज्जत लेता है बिना अपने काम को अच्छी तरह से अव्वल किए हुए। वहीं अब अजय दीक्षित को निशा यानी कि जानवी कपूर मिलती हैं, जो बहुत ही खूबसूरत हैं, जिसकी वजह से उसे समाज में और भी इज्जत मिल सके और वो उससे शादी भी करना चाहता है। उन दोनों की फर्स्ट मीटिंग में ही साफ साफ पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से कितने डिफरेंट है, फिर भी अजय अपने इज्जत के लिए उसके साथ प्यार करता है और शादी भी कर लेता है और उसके बाद पापा से 10 लाख मांगकर वो दोनों यूरोप के ट्रिप में भी चले जाते हैं। उनके झंड के वक्त अजय अपने दुनिया के बारे में बताता है इन ओवर एक्टिंग वे निशा को, ताकि वो निशा को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तभी ट्विस्ट आता है और एक डार्क टोन लेती है जब कपल जर्मनी में पहुंचते हैं तो वहां पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा होता है। ट्रेलर में छोटा छोटा वॉर टाइम के सीन्स को भी डाला गया है, उसके साथ ही निशा और अजय की कॉन्फ्लिक्ट को भी दिखाया गया है, जहां अजय इतना सेल्फिश है कि उसको इमेज के सिवा और कुछ भी नहीं दिखता है, के बावजूद भी उसको वो इज्जत अभी तक नहीं मिली है। साथ ही वो निशा को भी डिफेक्टिव पीस कहता है। और ट्रेलर में एक डायलॉग है जो मुझे बहुत ही पसंद आया है कि हम सब भी हिटलर जैसे ही हैं, जो है उसमें खुश नहीं है, जो दूसरे के पास है वही चाहिए। जुनून कभी खत्म नहीं होगी, वर्ल्ड वार तो खत्म हो गई लेकिन ये अंदर की वार कब खत्म होगी। मूवी के सॉन्ग सुनने में अच्छे लगते हैं और कॉमेडी भी ठीक ठाक कम कर लेती है, जो ऑडियंस को हंसाने में कामयाब तो हो ही जाएगी। वरुण धवन की एक्टिंग इम्प्रूव्ड है और जानवी कपूर की भी एक्टिंग ठीक ठाक है और उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी लग रही है और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस भी मुझे बहुत पसंद आया है। मैं इस मूवी के लिए क्यों एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं नीतीश तिवारी, जिन्होंने इससे पहले छिछोरे और दंगल जैसी बेहतरीन मूवी बनाई है। इस मूवी का ट्रेलर लॉन्च के वक्त जब वरुण धवन के अजय के कैरेक्टर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने कैरेक्टर को वर्णन करते हुए ये कहा कि अपने इज्जत के सिवाय वो अपने आप को कंट्रोल ना करने वाला बंदा है और बहुत ही बवाल कैरेक्टर है, जिसकी वजह से ये कैरेक्टर वरुण धवन के दिल में है। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि वो इस लव स्टोरी को ऑडियंस को दिखाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। वही जब जानवी को उसके कैरेक्टर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि निशा एक सिंपल लड़की है जिसके एक अपना सपना और एक अपना गोल है। साथ ही वो कहती है कि वो कैरेक्टर इतनी वंडरिंग है कि उसकी इमोशन आपको भी एक्सपीरियंस कराएगी, निशा ऑडियंस को उसके लाइफ के सरफेस तक ले जाएगी और उन दोनों की प्यार को भी समझाएगी और दोनों से कनेक्टेड करवाएगी। ओवरऑल इसका ट्रेलर बहुत ही अच्छा है और ये मूवी ट्रेलर देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि थिएट्रिकल रिलीज करना था, लेकिन ये मूवी आ रही है OTT में, क्योंकि अभी थिएटर में सभी मूवी नहीं चल रही है, रोमांटिक मूवी खासकर वो मूवी नहीं चल सकती, इसकी वजह से उन्होंने OTT में इस मूवी को लाने का सोचा है। तो ये एक अच्छा डिसीजन हो सकता है और ये मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पे जुलाई 22 से देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल ये ट्रेलर तो मुझे बहुत पसंद आया है और मूवी के लिए भी एक्साइटेड हूँ, तो आपको ये ट्रेलर कैसा लगा आप बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे पुराने वीडियोज को देखते रहिए और चैनल को भी। दिन तुम्हें दिखाते।